हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और रुके हुए काम हो जाएगी और हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होगी। इस घर भी हम किचन में बहुत देर रह नहीं सकते, तो जल्दी जल्दी काम करके उससे बाहर निकल आएंगे और ख़ुद को समय देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला टिप्स मेरा ये चीनी को लेकर है। अक्सर ये गर्मी के दिन में चीनी क्या होती है ना, नमी पकड़ लेती है। कभी कभी हम ढक्कन नहीं देते और नमी पकड़ के बिल्कुल पानी हो जाता है और इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चीनी को अच्छा रखने के लिए और फ्लॉलेस रखने के लिए टिशू हमारे घर पे होती है, तो एक इस तरह से टिशू लेकर आ जाइए। और टिशू के ऊपर हम क्या डालेंगे, ये है लोबिया, जो हमारी जो दाल की दाल खाना होता है, जो लोबिया होती है, तो लोबिया को हम क्या करेंगे, टिशू में रख के चीनी के अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी चीनी की जो नमी है, ये लोबिया बहुत तुरंत खींच लेती है। नहीं तो चना दाल है तो कुछ भी है तो चावल है, इस तरह से रख लेंगे तो चीनी की जो नमी है वो ये लोग खींच लेगी, ये सारे सामान, चीनी हमारी बहुत ही सेफ रहेगी। दूसरी वाली टिप्स मेरी नमकीन को लेकर है। अक्सर हम इस तरह के नमकीन लेकर आते हैं और नमकीन के ऊपर इस तरह जिपर जैसा होता है, जिप होती है, तो हम क्या करते हैं, काटते हैं और खाने के बाद इस तरह जिप लगा के रखते थे। अक्सर ये जिप अच्छे से लगती नहीं और अंदर हवा लग के हमारे सारे नमकीन ख़राब होते हैं, बहुत सारे पैसों की बर्बाद होती है। तो इस तरह के नमकीन को हम क्या करेंगे, पैकेट से निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये फूड ग्रेड पैकेट होते हैं, इसके अंदर जो फॉइल कोटिंग होती है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह के डब्बा ले आएंगे और डब्बे के अंदर ये नमकीन को बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो डब्बे के अंदर ये पैकेट के साथ हम जिप लगा के अच्छे से टाइट करके जिप लगाएंगे और डब्बे में इस तरह से सेट करके रखेंगे, ताकि क्या होगा कि इसके ढक्कन भी दे देंगे, इससे क्या होगा कि दो तरह की लॉक लग गई तो हमारे नमकीन में हवा नहीं लगेगी और ये बहुत दिन तक चल जाएगा। तो नेक्स्ट टिप्स मेरी देखिए, इस तरह के ढक्कन को लॉक करें। तो अक्सर हम खाना जब ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो इस तरह के डिब्बा में आता है, तो डिब्बा तो हम तो फेंक देते हैं, कभी कभी ख़राब हो जाता है तो अदर काम में हम लगा देते हैं। तो ये ढक्कन को हम क्या करेंगे, कभी कभी वो वेस्ट हो जाता है तो ढक्कन को भी फेंक देते, तो इस ढक्कन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने इंडोर प्लांट लगा रखा है मैंने, तो इंडोर प्लांट में हम जो पानी देते हैं, पानी नीचे से आती है, पानी के साथ ये हमारी मिट्टी भी चली आती है, इस जगह बहुत गंदा हो जाता है। तो हमारी यहाँ 100 पीस में जो तोलू मोलू बैठे हैं, बाजा बजा रहे हैं, वो कभी कभी दुखी हो जाए, अरे पानी निकल रहा है। तो छोटा सा टिप्स ये है कि इसके नीचे ये ढक्कन रख देंगे, जो पानी आएगी उसके अंदर रहेगी, तो ये लोग भी खुश हो जाएंगे कि हमें गीला नहीं होना पड़ा, ये खुशी से बाजा बजाएंगे और हमें खुश करेंगे, हम भी एंटरटेन होंगे। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ जिस तरह की इंडोर प्लांट है, इसके नीचे रख लीजिए, थोड़ा सा हंसी मजाक कर ली। चलिए नेक्स्ट टिप्स मेरे बैग को लेकर है। इस तरह के जो कपड़े वाले बैग है, रीयूज वाले बैग, अक्सर हम मॉल से लेकर आते हैं। आजकल तो पॉलीथीन वगैरह ज़्यादा मॉल में मिलता नहीं, साड़ी वगैरह आता है, मिठाई वगैरह, इस तरह के हमारे बैग्स बहुत ये काम के बैग्स है, तो ये बैग को हम फेंकेंगे नहीं। बहुत सारे घर पे देखा है बैग को यूज़ नहीं करते, तो कैरी करने में ही यूज़ करते हैं, इसका बहुत ही अच्छे अच्छे इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरह से बैग जो मेरे पास थे, तो मैं ये बैग को लेकर आई। देखिए ये जो हमारे कपड़े के बैग है, तो इस तरह लेकर हमारे बेलन को लेकर है। किचन में अक्सर हम रोटी वगैरह करते हैं, जो रोटी खाते हैं, तो बेलन का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं कि करने के बाद बेलन को ऐसे रख देते हैं, इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारी फैलती है। रात को अक्सर कॉकरोच वगैरह जो होते हैं ना, बेलन के ऊपर आके घूम फिर के चले जाते हैं और बहुत सारे बीमारी छोड़ के जाते, तो इससे क्या होता है कि हम बीमार पड़ते। छोटा सा ट्रिक्स ये है कि इस तरह की जो बैग हमारे घर पे होती है, हम बहुत सारे काम में इस्तेमाल करते, तो इस काम में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बैग के अंदर मैं हमारे बेलन को रख रही हूँ, ये कपड़े वाले बैग है और इसको अच्छे से हम सील करेंगे, यानी कि हम सिलाई विलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेली हम इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए। इस तरह से एक एक फोल्ड डाल देंगे, किस्ते में फोल्ड कर रही हूँ, आपको जिस तरह से अच्छे लगे इस तरह से आप उसके अंदर बेलन रखिए। देखिए इस तरह से फोल्ड कर ली और आपको जैसे रखना है, खड़े में रखना है, नहीं तो बर्तन की स्टैंड के अंदर रखना है, जैसे रखना है इसके अंदर बिल्कुल कॉकरोच वगैरह रात को जाएंगे नहीं, जब हम इस्तेमाल करेंगे फिर रख देंगे। और ये है पिन रोल, पिन रोल की भी यही हालत है, रात को कॉकरोच आके घूम के जाते। और यहाँ पे मैं ले आई न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बहुत ही घर में हम करते हैं और हमारे घर पे भी हम लोग करते हैं, तो न्यूज़पेपर को यहाँ पे फैला देंगे। अक्सर न्यूज़पेपर हम खरीदते हैं और बहुत सारे काम में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पैसों की वसूल तो हो ही जाती है। तो देखिए पिन रोल को इस तरह से हम कवर कर देते। सबसे ज़रूरी भाग ये है कि उसका जो दो
भाग जिससे हम पकड़ते हैं वो जगह बहुत ज़रूरी होता है, तो उस जगह को पहले हम कवर करेंगे न्यूज़पेपर के इस तरह से हम फोल्डिंग करेंगे कि पूरा पिन रोल इसके अंदर आ जाए और कहीं पे भी जगह ना मिले कि कॉकरोच वगैरह चीटियाँ वगैरह अंदर घुस सके और अंदर बीमारी छोड़े। और हमें दिखाई तो नहीं देता है बीमारी, लेकिन हो ही जाती है। इस तरह से एक रबर लगा देंगे दो साइड पर, इससे क्या होगा कि हमारे पिन रोल और बेलन दो ही सेफ रहेंगे। जब हमें रोटी करनी हो तो हम निकालेंगे, करने के बाद फिर से कर दे रख देंगे। ऐसे हम दो तीन दिन में एक बार साफ कर लेंगे तो हो जाएगी, डेली डेली करने की झंझट नहीं। नेक्स्ट टिप्स मेरी देखिए, मिट्टी की घड़ा किलो करें, मिट्टी की बर्तन। गर्मी शुरू हो गई दोस्तों, गर्मी में अक्सर हम मिट्टी की बर्तन में पानी रखते हैं, मिट्टी की घड़ा जो होती है, तो जब लेकर आते हैं ना तुरंत हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, तो उसका क्या करेंगे, पानी में एक दिन इसको भिगो के रख देंगे। सुबह रखेंगे तो शाम को निकालेंगे, शाम को रखेंगे तो सुबह निकालेंगे। एक दिन बिल्कुल इसको पानी के अंदर रखना चाहिए ताकि इसके अंदर अंदर पानी जा सके। मिट्टी बहुत ही पानी खींचता है और इसके सारे पोर्स इसका जो पानी पी सके। तो यहाँ पे पानी पे मैं रख के इसको बाहर ले आई। फिर लेने के बाद ना इसको फिर से हम पानी भरेंगे, जो कि साफ करने वाली पानी है, पीने वाली पानी नहीं। इसको भर के फिर एक दिन रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी का घड़ा है बहुत सारा पानी खींचता है और उसकी पोर्स जो होती है पानी खींच के सारे मिट्टी घड़े को मजबूत करता है। तो इस पानी को निकाल के कपड़े वगैरह साफ कर लेंगे, नहीं तो पौधे में दे देंगे। और यहाँ पे ले आई मैं एक चम्मच में नमक। तो इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक से। तो इस घड़े के अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक बहुत सारे जर्म्स को हमारी मारता है, तो नमक इस मिट्टी के घड़े के अंदर कर डाल के मैं इसको अच्छे से थोड़ा हाथ इसके अंदर घुसा के थोड़ा पानी डाल के अच्छे से साफ कर लूँगी। और इसके अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं, और नमक हमारी जो होती है ना, जो शुद्धिकरण के लिए हम नमक इस्तेमाल करते हैं, घर वगैरह साफ करते हैं, तो नमक एक तरह की हमारी जो शुद्धिकरण में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी की घड़ा जब हम लेकर आते हैं इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी जो बहुत सारे इसमें अंदर डस्ट वगैरह जर्म्स वगैरह रहते हैं, तो इस तरह से नमक से नमक के पानी से साफ कर लेंगे। जो काला पानी है मिट्टी का पानी है सब निकल जाएगी और हमारी मिट्टी का घड़ा जो है बर्तन जो है साफ हो जाएगी। फिर हम इसमें पीने का पानी डालेंगे, फिर एक दिन रख देंगे। यानी कि मिट्टी की घड़ा जब आप लाएंगे 3 दिन के बाद ही इस्तेमाल कीजिए उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट करके। कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप ये पसंद आए। पसंद आए तो एक थम्सअप दे दीजिए, इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वाली टिप्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।